नमस्कार दर्शक दोस्तों, सूरत चैनल के टक्कर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और स्वागत है गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एवं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य से रिजवान उस्मानी जी से हमारी मुलाकात, हमारी भेंट। रिजवान जी, कांग्रेस का जो प्रदर्शन, यानी सबसे पहले तो हम टिकट के बंटवारे के बारे में बात करेंगे, जो सिलेक्शन किया गया है किन आधार पर किया गया है, और सूरत में भी जितने कैंडिडेट सिलेक्ट अभी तक हो चुके हैं इनकी पसंदगी के मापदंड कैसे उन्होंने किया है, और क्या लगता है इस जो उम्मीदवार के साथ आप ये नैया पार कर सकेंगे? जहाँ तक कांग्रेस के कैंडिडेट का सवाल है सिलेक्शन का, ये तो करीब करीब मेरे हिसाब से 2.5-3 महीने से इसका प्रोसेस चल रहा था। तालुका लेवल से, जिला लेवल से, वार्ड लेवल से नाम मांगे गए और प्रदेश के ऑब्जर्वर आए, ICC ने उनको भेजा और उनके सामने भी लोगों ने अपना अपना दावा रखा। जो सूरत की 12 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस 12 कॉन्स्टिट्यूंसी पे एकदम ओपन कोई भी कांग्रेस जन कोई भी असेंबली से अगर लड़ना चाहता है तो अपना दावा कर सकता है। और जैसा कि प्रदेश के हमारे ऑब्जर्वर आए थे सिद्धार्थ भाई पटेल, प्रवीण राजपाल जी, सवेरे से लेकर रात तक उन्होंने 12 के 12 असेंबली को कैंडिडेटों को मिले, उनसे उन्होंने बात की, चर्चा की, और उसके बाद जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो शहर समिति के लोग हों या शहर के या प्रदेश के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ भी उन्होंने बात की। और ये मैटर टोटल जो है पूरा प्रदेश की सिलेक्शन कमेटी में गया। जो प्रदेश की सिलेक्शन कमेटी है उसमें 6 लोग बैठते हैं, प्रदेश समिति के अध्यक्ष अर्जुन भाई, CLP नेता शक्ति भाई, कंपेनर चेयरमैन शंकर सिंह बापू और भारत सरकार के राज्य मंत्री भरत सिंह भाई सोलंकी जी और तुषार भाई चौधरी और सिद्धार्थ भाई पटेल। कहने का मतलब ये कि पूरे गुजरात का जो जातियों का समीकरण है उस समीकरण के आधार पर ये हमारी पूरी संकलन कमेटी नहीं, संगठन और सिलेक्शन कमेटी बनी, जिसको हम कहते हैं कि कोर कमेटी प्रदेश की। उसमें चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद जो नाम अच्छे में अच्छा था 1, 2, 3, 4 करके वो नाम उन्होंने EICC को भेजा। EICC के अंदर जो हमारे ऑल इंडिया के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो गुजरात इंचार्ज हैं मोहन प्रकाश जी, और जो कांग्रेस अध्यक्षा ने गुजरात में सिलेक्शन कमेटी में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन हैं CP जोशी साहब, जो रोड और परिवहन के मंत्री भी हैं भारत सरकार के, और जो RPN सिंह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के राज्य कक्षा के, वो 2 मेंबर स्क्रीनिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मोहन प्रकाश जी और हमारे PCC चीफ अर्जुन भाई, CLP नेता शक्ति भाई, ये 5 लोगों ने बैठ के वो जो 1, 2, 3, 4, 5 नाम थे उसमें सभी कास्ट बिरादरी समीकरण कार्यकर्ताओं का ओपिनियन और उस सब प्रक्रिया को देख कर चर्चा मंथन करने के बाद ये नाम नक्की हुए हैं। और ये नाम जब नक्की हुए तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हमारी श्रीमती सोनिया गांधी, जो उनकी जो CC है सिलेक्शन कमेटी यानी CWC, उसमें 12 लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उसमें ये सब चर्चाएं हुई और चर्चा होने के बाद वो नाम फाइनल किए गए हैं। अब ऐसा है कि एक असेंबली के अंदर कोई 5, 10, 15 लोगों ने मांगा है और देना एक आदमी को है, तो जिसको मिलेगा वो तो खुश होगा और जिसको नहीं मिलेगा तो बोलेगा उससे अच्छा तो मैं ही था। तो थोड़ा बहुत ये जो आपको मीडिया में या और भी जगहों पर हमारे पार्टी कार्यालय में भी कुछ लोग आते हैं और आकर जो थोड़ा बहुत नाराज़गी या एक दूसरे पर जो एलिगेशन हो रहा है, ये अंदर का उनका जज्बात है या अंदर का उनका एक रोष है, लेकिन सभी लोग कांग्रेस जन हैं और हमारी जो अध्यक्षा है सोनिया गांधी और हमारे जो
युवा नेता है जो हमारे भारत के बिल्कुल कांग्रेस के नए हमें राह दिखाने वाले हैं राहुल गांधी जी, और हमारी पूरी कांग्रेस यूनिट है, और सिलेक्शन में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत सोच विचार के ही हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सोच विचार के सिलेक्शन हुआ है, लेकिन सोच विचार इतना लंबा चल सकता है ये हमने कभी नहीं सोचा था। एक साल पहले की बात है जब आपके लीडर्स कहते थे कि हम बहुत जल्द कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है, 20 दिन बाकी है और 12 कैंडिडेटों को अपने आप अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढना है, उसका पूरा नेटवर्क बनाना है, फंड मैनेज करना है, मीडिया पैचअप करना है, और ये सभी काम और लोक संपर्क का काम कैसे पॉसिबल होगा? और अगर इसी तरह से आप चलेंगे तो जीत कैसे होगी? नहीं, जहाँ तक सवाल ये है कि भाई समय कम है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि शुरुआत तो सालों पहले चालू हो गई थी। हमारी बूथ कमेटियाँ बनी हुई है, हमारी वार्ड समितियाँ बनी हुई है, और जो हमारी बूथ कमेटियों में एजेंट, पोलिंग एजेंट, ये जो भी है जो चुनने कमीशन ने दिया, वो सब हमारे पास रेडी है, तैयार है। जहाँ तक इलेक्शन का मटेरियल है वो तो हमारे पास रेडी है, तैयार है। और जब संगठन होता है तो संगठन पहले से चला आता है, और उसी संगठन को इलेक्शन में मोबिलाइज करके उनको काम पर, तो संगठन में तो कोई कमी है नहीं। और जैसे ही ये अभी आज डिक्लेयर हुआ है या आज लोग नामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, ये बात तो 99% हो गया कि ये कैंडिडेट है। अब विड्रो होना एक प्रक्रिया रह गई है, लेकिन जो समय रह गया है उसमें मीडिया है, लोक संपर्क है, या किसी की नाराज़गी है, या किसी को कुछ है, किसी को मिलना है, पर्सनली मिलना है, या इसके अलावा फिर हमें कहीं बाहर के भी कोई लीडर को लाना है, या जैसे आपको मालूम है कि साउथ गुजरात जो है वो बड़ा एक इंडस्ट्रियल पूरा गुजरात का पूरा है साउथ गुजरात, तो यहाँ पर काफ़ी बाहर के भी माइग्रेंट लोग आए हुए हैं, अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं, जो 25-30-40 सालों से यहाँ हैं, जो अस्थाई हो चुके हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोग हैं, तो उनका भी हमने पहले से चुनाव कमीशन को, हमारी प्रदेश समिति ने अप्रूवल मांग लिया और ICC को भेज दिया है। ये सब प्रोग्राम नक्की हो गए हैं और ये बहुत जल्दी आपको 2-4 दिन में ये आपको लोक संपर्क और पब्लिक मीटिंग बाकी जो है वो सब बिल्कुल रेडी है, प्रोग्राम तैयारी है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन में हम जो हमने कहा था कि हम बहुत पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, ये हमारी रणनीति थी, लेकिन इसमें कोई ना कोई वजह या कारण होगा, इसके बारे में तो प्रदेश समिति या ICC इसके ऊपर कोई वेरिफिकेशन दे सकती है। मैं तो इसके ऊपर मुझे कुछ कहना नहीं है। दर्शक दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिजवान उस्मानी से, जो प्रदेश कांग्रेस, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और AICC के कमेटी सभ्य हैं। रिजवान जी के साथ बात में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में कहा जाता है कि जितने कार्यकर्ता इतने नेता, और नेता खुद आगे चल के लड़ना नहीं चाहता है, सब किंग मेकर बनना चाहते हैं, खुद किंग बनने की कोई कोशिश नहीं करता, ऐसा क्यों? क्यों सीधा नेता अपने आप को रणनीति में, रण मैदान में, इलेक्शन के मैदान में उतारना नहीं चाहता, ये क्या वजह हो सकती है? जहाँ तक आपने कहा कि नेता लड़ना नहीं चाहता, तो कौन नेता नहीं लड़ना चाहता? हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अर्जुन भाई, वो भी इलेक्शन, लोकल की बात कर, लोकल में तो ऐसा है कि आपको मालूम है कि मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए आया हूँ, मेरा पहला पर्पस है कि मैं बिजनेस करूँ, मैं कारोबार करूँ, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा जा नहीं, मैं अपनी, जब आप बाप ने उठाया तो मैं भी, मुझे भी आपने मेरी तरफ इशारा किया है। आपको सभी को मालूम है कि मैं 40 साल पहले मैं UP से यहाँ आया हूँ बिजनेस करने के, कारोबार करने, तो मेरा पहला पर्पज़ है कि मैं कारोबार करूँ, बिजनेस करूँ। जहाँ तक सवाल है पार्टी का, मेरे बाप दादा कांग्रेस में रहे हैं, मेरे पिताजी स्वतंत्र सेनानी रहे हैं, मैं कांग्रेस की नीतियों को मानता हूँ, नेहरू गांधी फैमिली से मेरा कमिटमेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। और जहाँ तक दूसरी बात है, कदीर भाई की बात है, पहले माहौल कुछ इस टाइप का नहीं था, अभी थोड़ा सा माहौल गुजरात का परिवर्तन हुआ है, और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी पहले वो 2002 में गोधरा हिंदू मुस्लिम, फिर 2007 में एनकाउंटर आतंकवाद, अभी 2012 में सद्भावना की बात करते हैं, तो उसका असर हुआ है, इसलिए अभी हमारे कदीर भाई भी
इलेक्शन लड़ रहे हैं, पार्टी उनको लड़ा रही है। तो मुख्यमंत्री का आभार मानना चाहिए कि उनकी वजह से ये सद्भावना खड़ी हुई है। नहीं, मुख्यमंत्री का आभार तो नहीं मानना चाहिए, मानना तो गुजरात की जनता का चाहिए, क्योंकि गुजरात की जनता अब उब चुकी है। वो पहले भी सद्भावना में मानती थी, आज भी सद्भावना में मानती, कल भी सद्भावना में मानेगी। लेकिन जो बीच का जो पीरियड गया 2002 और 2007, वो विपरीत में गया है। वो उस तरह का माहौल बनाया गया था, जो पहले माहौल था 2002 के पहले का, वही माहौल अभी 2012 में आया है। इसलिए अब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए हर समाज, हर वर्ग के लोग अपने अपने विचार से, अपने अपनी पार्टी में अपने अपने हिसाब से आ रहे हैं लड़ने के लिए। ऐसी कोई रीजन जी, आप 40 साल पहले यहाँ पर आए, आपने अभी सद्भावना की बात की, उसका मतलब ये हुआ कि विकास तो कहीं ना कहीं हुआ है। आप सेटल यहाँ हुए, आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो विकास हुआ है, वही बात को लेकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज मार्केट में चल रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि विकास जो दिखता है इतना हुआ नहीं है। ये बात कुछ विरोधाभासी बन चुकी है, मुझे कुछ आई एम नॉट कन्विंस अबाउट इट। मैंने जैसा बताया कि मैं 40 साल पहले आया था, 40 साल जब पहले आया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ये इंडस्ट्रीज आई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। पांडेसराय GIDC ले लो, सचिन GIDC ले लो, या हजरा पट्टी की बड़ी इंडस्ट्रीज ले लो, ये सब 35-40 साल पहले ही आई है। रोजी रोटी और इंडस्ट्री तो कांग्रेस के ज़माने में आई है। जहाँ तक विकास की बात करते हैं, तो मुझे तो ये 11 साल में कोई नई इंडस्ट्रीज की, नई GIDC की, नया कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस ने विकास किया और वो ऐसा हो गया कि औलाद मेरी है, बाप वो हो गए। तो विकास जो भी हुआ है गुजरात के लोगों ने किया, गुजरात के धरती के लोगों ने किया है, और बाहर से भी हमारे जैसे लोगों ने, चाहे वो लेबर क्लास में आए, चाहे इंडस्ट्रीज में आए, बाहर के लोगों ने भी आए यहाँ पर, गुजरात के लोगों ने उनको वेलकम किया। और जो कुछ भी बुनियाद यहाँ रखी गई, जो भी विकास आजकल दिखाई पड़ रहा है, ये सब कांग्रेस के जमाने का है। इस मुख्यमंत्री ने यहाँ आके कुछ नया विकास किया ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है। राइट, मुख्यमंत्री के बारे में आप लोग हमेशा बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, जोर जोर से झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या झूठ बोल रहे हैं वो? वो भी विकास की बात कर रहे हैं। आपने बोला कि कांग्रेस ने विकास किया, उन्होंने बढ़ावा दिया, और बढ़ावा दिया तब इतना जो वो पिंक पिंक हमको दिख रहा है, उनकी वजह से भी तो हो सकता है, तो उनमें झूठ बोलने की बात कहीं? देखिए, ऐसा है कि वहीवटी तंत्र जो होता है, वहीवटी जो होता है, कलेक्टर से लेके जो जो पूरा जो सिस्टम बना हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री रह कि ना रहे, जो कानून कायदा जो नियम बना हुआ वो तो अपने आप फॉलो होता है। रूल्स के लिए सभी ब्यूरोक्रेट में अपने अपने जिम्मेदार अधिकारी हर 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 क्षेत्र में हैं। लेकिन जहाँ तक ये कहते हैं कि हमने विकास किया, हमने विकास किया, आज कहाँ विकास दिख रहा है? अगर आपको नेशनल हाईवे पर सेकंड ट्रेक से अगर फोर्थ ट्रेक हुआ तो वो भारत सरकार का है। राजीव गांधी विद्युत योजना से अगर लोगों को बिजली मिली तो भारत सरकार का है। आज जो स्लम एरिया जो को मकान मिल रहा है GNRU को, गरीब वालों को, वो भारत सरकार का है। जो BRTS है वो भी भारत सरकार का है, और जो फ्लाई ओवर बन रहे वो सब भारत सरकार का है। राज्य सरकार का भी तो हिस्सा है, ये कोई दान में थोड़े दे रहे हैं पैसा? राज्य सरकार का हिस्सा इतना ही है कि 30-25% उनका है, बाकी उनकी जगह है। वो एक्वायर करके देते हैं तो रोड बनता है, वो जगह देते हैं तो फ्लाई ओवर बनता है। तो कहने का मतलब है कि जितना पैसा भारत सरकार देती है उसी पैसे का तो विकास दिख रहा है, और ये सब विकास जो है वो अपने नाम पर लिखवा रहे हैं। हम लोगों को इतना जरूर है कि हम लोग जो है करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, वो करते नहीं हैं कहते हैं। ये आप बता रहे भारत सरकार पैसा दे रही है, अपने जेब में से पैसा नहीं दे रहे, वो हमारा ही पैसा, आपका ही पैसा, मेरा ही पैसा वहाँ पे टैक्स के रूप में जाता है, उसके बदले में वो लोग पैसा हमको वापस देते हैं, इसमें डोनेशन की बात कहाँ आई? डोनेशन की बात यहाँ आती है कि जब NDA सरकार 6 साल थी, उस पीरियड में जितने भी काम, वो टाइम में भी गुजरात का पैसा केंद्र को जाता था, वही पैसा उनको विकास के लिए आता था। तो जो NDA के आंकड़े हैं और जो UPA के आंकड़े हैं, दोनों को मिलाइए तो आपको जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो 25 पैसा देते तो हम रुपया दे रहे हैं, यानी मतलब कहने का मतलब है हम ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात को, जहाँ भी विकास की बात है, जो इनका प्रपोजल आता है, हर प्रपोजल में हमारा कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। हम गुजरात की जनता को पैसा दे रहे हैं, गुजरात के विकास के लिए दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो एक व्यक्ति है, आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन गुजरात का विकास ये पूरे भारत का विकास है। जी, मोदी जी के पास विकास का मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का मुद्दा है, आपके पास, कांग्रेस के पास कौन सा मुद्दा है इस इलेक्शन में? नहीं, विकास का मुद्दा तो हमारा भी विकास, हम तो पूरे भारत सरकार का विकास कर रहे हैं।
अगर भारत सरकार की जनता ने अगर हमें दिया है, भारत सरकार चलाने की हम भी कर रहे हैं। मेघवारी लोगों को दिए, ये विकास की बात कर रहे हैं? नहीं, मेघवारी का मतलब है कि गैस हमारे घर में नहीं बनता, पेट्रोल हमारे घर में नहीं बनता। जो मेघवारी जिसे बढ़ती है वो तो हमें आयात करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है तो जो वर्ल्ड की मार्केट है उसके आधार पर मार्केट कीमत नक्की होती है। ये बात जरूर है कि थोड़ा महंगाई बढ़ी है, मिडिल क्लास और जो गरीब आदमी है उनको तकलीफ है, और जितना उनको तकलीफ है उतना हमें, हमारी पार्टी को भी तकलीफ है। नेता जी, वचन देने में कांग्रेस को सलाम करनी चाहिए, जिस तरह से आपने 12 वचन लोगों को दिए, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि ये 12 वचन को समाप्त करने के लिए कितना करोड़ रुपया चाहिए और किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा? लोगों को गुमराह करने की बात आप लोग करें। हमने क्या गलत वचन दिया? हमने तो इतना कहा है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम गुजरात हाउसिंग के मकान बना के देंगे। 17 साल पहले हम देते थे। हमने ये कहा है कि भाई जो गरीब आदमी है उनको हम 25 चौरस मीटर जगह देते देंगे, वो 17 साल पहले हमने दिया है। हम ये कहते हैं कि गांव में हम 100 मीटर की ज़मीन देंगे बड़ी फैमिली को, वो हम देंगे। हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो गुजरात हाउसिंग बोर्ड को वापस हम करके मकान बनाएंगे, हड़पति गृह निर्माण को हम पक्के मकान बनाएंगे। ये सब हम 17 साल पहले हमारी सरकार देती थी। और जो आप देखिए तो कनम में सिविल हॉस्पिटल में जो सरकारी हमने मुफ्त इलाज दे, आज ये पैसा लेके देते। हमारे टाइम में तो उनको मुफ्त में इलाज मिलता था, कोई पैसा नहीं लगता था। तो हम तो वही कह रहे हैं कि जो 17 साल पहले हम देते थे करते, तो वही तो हम कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे तो यही करेंगे। हमने कोई नया तो कोई बात ऐसी तो किया नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई बच्चों को लिखने के लिए लैपटॉप और दूसरी जो उनकी ज़रूरियात है, जो मिडिल क्लास छोटे गरीब आदमी है जिनको नहीं मिलता है वो सब। और हम ये कहते हैं ग्रांट हम सरकारी वकीलों को सरकार के स्कूल को देंगे, और ग्रांट आएगी तो बच्चा पढ़ेगा। अभी प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं सब में फीस है, एडमिशन फीस है, ये सब महंगाई बढ़ती जा रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो जिस तरह से भी हो सके उस तरह गरीबों को और जो मिडिल क्लास के जो लोग एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं उनका पूरा रास्ता हम खोलने के लिए तैयार है। जो आज इन्होंने बंद करके रखा है, इन्होंने धंधादारी बना दिया कॉलेज स्कूल सबको। अरिजा जी, लॉ एंड ऑर्डर गुजरात में कैसा है, आपको क्या प्रतीत हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर तो आप रोज देख रहे हैं, पेपर अखबार दे रहे हैं, कोई चैन छीन जा रहा है, कोई मर्डर हो रहा है कोर्ट के अंदर। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कोर्ट के अंदर मर्डर हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो खाली कहने की बातें हैं। आप देखिए रोज क्राइम बढ़ता जा रहा है, रोज हो रहा है क्राइम, पूरे गुजरात में हो रहा है। कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स, दूसरे स्टेट की कम हम कर ही नहीं सकते। गुजरात तो पहले से शांति प्रिय और बिल्कुल भाईचारा का स्टेट रहा है, और यहाँ के लोग जो है किसी को मारते नहीं ना किसी को मारने देते हैं। लेकिन ये सब तो इनके आने के बाद ये सब चीज़ें बड़ी है, इसलिए इस इलेक्शन में किसका करिश्मा चलेगा? आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी शायद सूरत आएंगे या तो पूरे राज्य में आएंगे, उनका करिश्मा क्या चलेगा ऐसा लगता है आपको? देखिए करिश्मा तो किसका चलता नहीं चलता वो तो प्रजा नक्की करती है। अगर मान लो कि यहाँ आडवाणी, जेटली, सुषमा स्वराज, अभी आपने देखा होगा सिंधु जी वो कहाँ थे, बिग बॉस में थे, वो उनका अभी पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था, वहाँ उनको कॉल गया कि भाई आप बिग बॉस छोड़ के आइए गुजरात में। तो जब उनका उनके लीडर को बुलाया जा रहा है तो हमारे पास तो जो हमारे लीडर हैं चाहे राहुल जी हों चाहे सोनिया जी हों या अदरवाइज जो हमारे दूसरे लीडर हैं, तो हम भी तो चाहेंगे उनका भी तो गुजरात में आना। और लोगों का बड़ा चिंता बड़ा बड़ा बेसब्र से कि भाई वो आए, तो हम उनको बुला रहे आ रहे हैं। जी, अंतिम चरण में हम एंटर होते हैं, आपके पास जितनी सीटें थी 5 साल में ऐसा क्या हुआ है ताकि सीट बढ़ जाएगी? मैंने निखिल भाई एक बात बताई है कि 2002-2007 की तुलना में 2012 नहीं है। अभी 11 साल से जो भी सरकारें चली है उस सरकारों ने जो लोगों से वादा किया है, जितनी जितनी बातों में उन्होंने कमिटमेंट किया था, लोगों का लगता था कि ये आए हमारे लिए कुछ करेंगे। इनके वादे इतने खोखले हो गए कि पहले लोगों को विश्वास था, अब अविश्वास हो गया है। इसलिए इनकी जो कुछ भी असलियत है वो बाहर आ चुकी है और लोग पुरानी अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं। इसलिए अभी परिवर्तन होने वाला है। आपने देखा होगा कि मोदी साहब कोई भी इलेक्शन आता है तो किसी को रिपीट नहीं करते, बगैर कारण से लोगों को संन्यास करवा देते हैं। जिसने राजनीति शुरू नहीं की हो और पहले टीम में वो संन्यास हो जाता है। आपने देखा साउथ गुजरात में या गुजरात में
कि अभी उन्होंने कोई मैरिड ही नहीं रखा, 80 साल वाला भी चल रहा है और 40 साल वाला भी चल रहा है। ये इनका भय और डर के लिए इन्होंने अपने लोगों को रिपीट कर दिया है। वो इसलिए कर दिया कि उनको मालूम था कि यहाँ असंतोष हो जाएगा तो हमारी जो थोड़ा बहुत गणित है वो बिगड़ेगा, इसलिए वो डर और घबरा कर उन्होंने वही पुरानी चीज़ों को वापस उन्होंने अपने हिसाब से रिपीट किया है। और हम ज़्यादा आगाही भी नहीं करते, दावा भी नहीं करते हैं, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि 13 दिसंबर और 17 दिसंबर का इंतज़ार कर लिया जाए और 20 तारीख को इसका जो भी परिणाम आएगा वो गुजरात और जनता के सामने आएगा। आपने एक शब्द का उपयोग किया आपके लास्ट आंसर में, परिवर्तन, तो गुजरात परिवर्तन पार्टी कांग्रेस को कितना फ़ायदा करवाएगी? ये कोई आपकी एक नई स्कीम तो नहीं है? नहीं, परिवर्तन पार्टी तो हमारी तो नहीं है, जो कुछ भी है ये तो बीजेपी के ही लोग हैं। केशव भाई तो हमारे साथ नहीं रहे, केशव भाई तो आरएसएस तो और बीजेपी के ही रहे, फोल्डर रहे, तो वो उन्होंने बनाई है, वो किसको नुकसान करेंगे किसको फ़ायदा करेंगे इसका जवाब तो गुजरात की जनता देगी, कब देगी वो 20 तारीख को मालूम पड़ेगा। लेकिन ये हमारा उनसे कोई ऐसा बारे में कोई हमारा अध्ययन भी नहीं है और इसके ऊपर हम कोई सोच विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा तो जो भी काम है वो हमारा पार्टी, हमारी कैडर, हमारे लोग, हमारे जो हैं उसमें ही हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान है। तो दर्शक दोस्तों, ये थे रिजवान उस्मानी जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एवं AICC के सदस्य, हमारे विचारों के साथ। सुदर्श चैनल का इस विशेष वार्तालाप यहाँ पर समाप्त करते हैं। रिजवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके दोस्त निखिल मद्रासी और जयेश कंसारा को आगे दीजिए। नमस्कार।